वो दीपिका बिना किए खर्चा तो बोलो यस मैडम। फ्लॉन्ट करना है नया हेयर स्टाइल और चाहिए 1000 लाइक्स तो बोलो यस मैडम। हेक्टिक दिन के बाद चाहिए रिलैक्सिंग मसाज तो बोलो यस मैडम। और चाहिए घर पे पूरा का पूरा सैलून और चाहिए सर्विसेज फुल ऑन तो बोलो यस मैडम। हम लेकर आए हैं यस मैडम, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट होम सैलून। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अर्पित, मैं आकांक्षा, मैं मयल और मैं आदित्य और हम हैं यस मैडम के धमाकेदार फाउंडर्स और हम आए हैं दिल वालों की दिल्ली से। शार्क्स, आज के बिजी लाइफस्टाइल में सैलून के लिए टाइम निकालना क्लोज टू इम्पॉसिबल है और उसके बाद डील करना पड़ता है उन अनट्रेन्ड सर्विस प्रोफेशनल से जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स यूज करके आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर जाओ कोई ऐसे एक्सपेंसिव सैलून में जहां ऐसी फील आती है जैसे सोने की कैंची से बाल काट रहे हो। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारा स्टार्टअप यस मैडम। यस मैडम एक टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजर्स सारे ब्यूटी एंड स्पा सर्विसेज जैसे कि वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, स्पा घर पर ही बुक कर सकता है एट देयर कन्वीनियंट डेट एंड टाइम। हमारे सारे प्रोफेशनल्स ट्रेन और वेरीफाइड होते हैं। सर्विसेज में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स एंड डिस्पोजेबल्स वन टाइम यूज पैकेजिंग में आते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स की स्किन एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रख पाए। इतना ही नहीं, यस मैडम अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को खुद का प्रोडक्ट यूज करके सिर्फ सैलून सर्विसेज बुक करने की फ्रीडम देता है। लेकिन जैसे शार्क्स के बिना शार्क टैंक अधूरा है, वैसे ही यस मैडम अपने पार्टनर्स के बिना अधूरा है। हम 2500 से भी ज्यादा फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं, जो पहले 10 से 12 हजार तक अर्न कर पाती थी, आज हमारे साथ जुड़ के 40 से 50 हजार तक अर्न कर पा रही हैं। हमारा विजन है कि हम यस मैडम को इंडिया की सबसे बड़ी सैलून टेक कंपनी बनाएं, जिसमें एट होम और ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस होगा ताकि हम इस इंडस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सके और इस इंडस्ट्री में काम कर रहे लाखों वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ को बेटर कर सके। तो शार्क्स, आज हम आपके सामने डिमांड कर रहे हैं 1.5 करोड़ की इन रिटर्न ऑफ 0.5% ऑफ आवर कंपनी। तो शार्क्स, पिच अच्छी लगी तो बोलो यस मैडम। यस मैडम, पिच बहुत अच्छी लगी, वैल्यूएशन थोड़ी धक धक हो गई। पर आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विनीता मैम। तो आप अपने चारों के बैकग्राउंड थोड़ा क्विकली बता देंगे कि वो चार फाउंडर्स हैं? मेरा नाम मयंक है, मैं अमरोहा से हूँ। अरे वाह। एंड अमरोहा यूपी में एक छोटा सा गांव है। मैंने अपनी करियर की चॉइस में मर्चेंट नेवी को चुना। 9 साल मर्चेंट नेवी में सेल किया। 2009 के बाद मेरे पास एक मेरे अंकल मिलने आए मेरे से और उन्होंने बोला कि मयंक कितना कमाते हो? तो 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला अगर 1 लाख रुपए रोज का कमाना चाहते हो तो मेरे साथ अफ्रीका चलो। मैंने कहा ठीक है। वहाँ मैंने पहले अपने बिजनेस की शुरुआत करी विद प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मेरे ऊपर वहाँ आर्म रॉबरी अटैक हुआ। ओह माय गॉड। एंड वहाँ इबोला ब्रोक आउट हो गया इन 2014। मेरे सारे बिजनेसेस एक एक करके लॉसेज में जाने लगे। मेरे ऊपर लोन था बैंक्स का, तो आई रीच आउट टू आदित्य कि भाई तू सपोर्ट कर दे एंड ही वाज द वन हु सपोर्टेड मी। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप कैसे जानते थे आदित्य को? ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। बचपन से ही भैया और पापा को बिजनेस करते हुए देखा है, काफी इंस्पायर्ड था कि अपना कुछ करना है। तभी मेरी वाइफ घर पे एक बार ब्यूटी सर्विसेज ही ले रही थी, सर्विसेज हुई उसके बाद उनके फेस पे रैशेज हो गए। अच्छा। तो पता लगा कि जो प्रोडक्ट यूज हुआ था वो बड़े बड़े बॉक्सेस में यूज हुआ था जो रिफिल या डुप्लीकेट हो सकता था। एंड दैट्स हाउ हमें एक आइडिया आया कि हम ब्यूटी सर्विसेज स्टार्ट करें विद मोनो डोजेस। तो ये कौन से साल में फिर आपने ये सोचा? 2017 में हमने ये स्टार्ट किया। और बाकी आप क्या? मैं मुरादाबाद से हूँ एंड मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं करी। उसके बाद मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई करी जो नोएडा से की। मयंक भैया एंड आदित्य भैया दे बोथ आर माय फैमिली फ्रेंड्स। मेरा नाम अर्पित है, मैं भी अमरोहा से ही हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईटी खड़गपुर से करी। आदित्य इज माय स्कूल सीनियर, मतलब 15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ को फाउंडर है? Yes. Yes, I'm a co-founder. तो cap table बता दीजिए। Cap table 28% will be with Aditya, जो हमने paper को close करा रहे हैं। 28% will be with me, 28% will be with Akansha, Arpit will hold 10% and 6% will be Isha.
आप लोग आपस में क्या काम डिवाइड करते हैं? आई एम द सीईओ एंड आई टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक. मैं स्ट्रेटजी एंड एक्सपेंशन देखता हूँ. मैं इनोवेशंस एंड ब्रांडिंग देखती हूँ. और मैं मार्केटिंग और ऑपरेशंस देखती हूँ. थोड़ा प्रोडक्ट सर्विसेज का स्कोप समझा दीजिए. तो मान लीजिए विनीता मैम, आपको घर पे वैक्सिंग करानी है, जो कि हमारी हाईएस्ट सेलिंग सर्विस भी है. आपको एक्सोलॉजी रीका करानी है, तो आप इसको कॉस्ट क्या है बाय द वे? 799. ये 1000 रुपए का होगा रीका वाला ऑन ओपन कंपनी, है ना? हाँ, मतलब दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल. यू कैन गाइड. हमारे प्लेटफॉर्म की एक बहुत खूबसूरत यूएसपी है कि हम अपने चार्ज को प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विस चार्ज में अलग करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग. तो सर्विस चार्ज 390 पड़ेगा आपको और प्रोडक्ट कॉस्ट 409 पड़ेगा. अब प्रोडक्ट कॉस्ट में हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे, जहाँ पे आप नो प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, जिसका मतलब है प्रोडक्ट आप दोगे और सर्विसेज के चार्जेस हम लेंगे, जो कि है सिर्फ 390. तो आप एक बात बताइए, अभी एक प्लेयर जो है बहुत स्केल कर गया इंडस्ट्री में, वी ऑल नो अर्बन कंपनी, तो आपको क्या गैप दिख रहा था जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि हमें ये करना है? जब अर्बन कंपनी ने शुरू किया था, दे वर नॉट इनटू मोनोडोसेस. वो सब लोग कन्वीनियंस सेल कर रहे थे, हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, विच वाज प्राइसिंग एंड द प्रोडक्ट. और आज कैसे देखते हैं आप इसे? इंडिया का जो ब्यूटी सलोन का मार्केट है वो 1,80,000 करोड़ रुपए का है. अर्बन कंपनी को मैं देखूं तो वी हैव हार्डली स्क्रैच द सरफेस. बाय द वे, मैं डिस्क्लोजर करना चाहता हूं, मैं अर्बन कंपनी में शेयर होल्डर हूं. Oh, मैं इन्वेस्टर हूं अर्बन कंपनी. उनका कितना रेवेन्यू है इस कैटेगरी में और आपका कितना रेवेन्यू है? हमारा ऑन अ ईयरली बेसिस 50 करोड़, उनका जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ है. और ग्रो कैसे कर रहा है आपका ये 50 करोड़? अगर लास्ट 3 साल का नंबर देखें, फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसमें हमने 12.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था. ओके. उसके बाद 2022 में हमने 26 टच किया, 23 में विच वॉज लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 32 टच किया, इस ईयर वी विल बी क्लोजिंग विद 50 करोड़. एंड आप प्रॉफिटेबल है? वी आर प्रॉफिटेबल. क्या एबिटा है आपका? लास्ट मंथ हमारा एबिटा था 40 लाख. इन लास्ट 6 मंथ में हमारा एबिटा वो 1 करोड़. और लास्ट मंथ सेल कितनी थी? 9.5 करोड़ रुपए जीएमबी था और हमारा रेवेन्यू था 4.5 करोड़. वेरी नाइस. अमेजिंग. गुड गुड. वेरी नाइस. आपने फंडिंग भी रेज की है? वी हैव नॉट रेज्ड इट. वी हैव बूटस्ट्रैप. यू हैव नेवर रेज्ड फंडिंग? नहीं नहीं नहीं. क्रेजी नंबर्स. मेरा नेगेटिव माइंडसेट के साथ था कि मेरे को अभी पता चलेगा कि क्या है, बट यू हैव सरप्राइज मी. वेरी पॉजिटिव. थैंक यू. थैंक यू. वेल डन. आउटस्टैंडिंग नंबर. एक चीज बता, ऐसा क्यों हुआ कि वो अभी तक लॉसेस में है और आप इतना अच्छा स्केल भी कर गए, प्रॉफिटेबल भी हो, ऐसा क्या है आपका? वो क्या है सीक्रेट सॉस? हमारी पॉलिसी है, हम अपने पार्टनर्स को डीएक्टिवेट या ब्लॉक नहीं करते हैं, हम उनका बिजनेस ग्रो करते हैं. हमारा मोटिव है उनको मोटिवेट करके, उनको बार बार ट्रेन करके उनका बिजनेस बढ़ाना. जो हमारे टॉप रेटेड पार्टनर्स होते हैं, आउट ऑफ 2500 500 को हमने गोल्ड पार्टनर बनाया, डिपेंडिंग ऑन देयर रेटिंग और वो जितनी जॉब्स कर रहे हैं. उस गोल्ड पार्टनर में उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है, उनका हम कमीशन कम लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दे रखी हैं, प्लस उन पार्टनर्स का 3 या 4 स्टार में उनकी फैमिली के साथ लंच प्रोवाइड करवाते हैं. उनको अगर अवार्ड भी देना होता है तो उनकी फैमिली से दिलवाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. आप उनकी अर्निंग में से ऑन एवरेज कितना लेते हैं, नॉर्मल पार्टनर और गोल्ड पार्टनर? गोल्ड पार्टनर में से 15% कमीशन लेते हैं. अच्छा. और नॉर्मल में को हम 20% कमीशन डिडक्ट करते हैं. अच्छा. कोई रीजन है जहां से फोकस्ड है आपके ब्यूटिशियंस काफी? सो दिल्ली एनसीआर में वी आर डूइंग 60%. वी आर अवेलेबल इन 45 सिटीज, डूइंग 70,000 बुकिंग्स ऑन अ मंथली बेसिस. थोड़े से आप मुझे अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स बता सकते हैं? आप कितने कस्टमर सर्विस करते हैं? ये रिपीट वाला बिजनेस है. तो द ओनली रीजन व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज़ हमारा कस्टमर रिपीट इज 80%. 100 लोग आए हैं तो 80 इसमें से रिपीट करेंगे, या रेवेन्यू का 80% इज रिपीट फ्रॉम रेवेन्यू? अगर 100 लेडीज आपके साथ इस महीने सर्विस कर रही है, अगले महीने कितनी परसेंटेज सर्विस करेंगे? नेक्स्ट क्वार्टर दैट नंबर वुड बी अराउंड 40. तो आप यूनिवर्स यूज कर रहे हैं, आप कोहोर्ट की बता रहे हैं. रिपीट रेट परसेंटेज अक्सर जब पिक्चर्स आके शेयर करते हैं तो वो होता है कि उनके रेवेन्यू का कितना परसेंटेज रिपीट कस्टमर से आया है. जब इन्वेस्टर्स रिपीट रेट देखते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि उनका मंथली कोहोर्ट रिपीट कैसा है, यानी अगर 100 कस्टमर्स ने एक महीने में खरीदा तो उसमें से कितने कस्टमर्स ने अगले महीने खरीदा, कितने ने 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में आके खरीदा, उसे करते हैं कोहोर्ट रिपीट परसेंटेज. दिस मींस दैट आपका रिपीट तो अच्छा है पर आपका न्यू कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई नहीं चल रहा है इस टाइम.
सो हमारा 92% यूजर्स 80% रिपीट है, 12% हम ऑर्गेनिकली हम देते हैं और 8% हमारे पेड कस्टमर्स आते हैं। व्यू कम चल रहा है आपके साथ? बिकॉज हमारा जो ब्रांडिंग का बजट है वो लिमिटेड है। तो ये जो क्वेश्चन आया था कि आप प्रॉफिटेबल क्यों हैं और बाकी, बिकॉज दे वो अभी भी अग्रेसिवली न्यू कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं, उस पे खर्चा लग रहा है, आपने वो अभी स्लो डाउन कर दिया? नहीं, हमने स्लो डाउन नहीं करा है, हम ग्रोथ भी चेज कर रहे हैं बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग बट नॉट एट द सेक ऑफ बॉटम लाइन। तो आपका क्या प्लान है अभी, हाउ डू यू वांट टू ग्रो? आई थिंक कि आज से 5 साल के बाद वी कैन इजिली टच 500 करोड़ का रेवेन्यू रन रेट। एवरी सिटी 20x ग्रो कर सकते हैं। हमारी जो ये प्रोडक्ट रेंज है ये हमारे खुद के वाइट लेबल्ड है, इसे भी हम मार्केट में पुश कर रहे हैं धीरे धीरे। थर्डली, हम सैलून इंडस्ट्री की जो और प्रॉब्लम्स हैं जैसे हेयर की प्रॉब्लम्स, हम उन सर्विसेज को भी केटर करना चाहते हैं डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो आप यहाँ शार्क टैंक पे क्या लेने आए हैं? हम लोग अभी तक एक ब्रांड बनाने में नाकामयाब हुए हैं। यस मैडम, एक हाउसहोल्ड नेम नहीं बन पाया। वहाँ हम लोगों को आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने ब्रांडिंग में उतना बढ़िया काम नहीं किया जितना शायद आपके कंपेटिटर ने किया? 1000 करोड़ रुपए थे उनके पास, तो ब्रांड पे खर्च कर सकते थे। तो आपने क्यों नहीं ले लिया 100-200? सर, वी ट्राइड बट पीपल वर स्टिल स्केप्टिकल। आई कांट बिलीव कोई आपको फंडिंग नहीं दे। अगर आप फंडिंग लेना चाहते थे ऐसे नंबरों के साथ 50 करोड़ के, तो फंड्स भी आपको फंडिंग दे। तो आप मुझे लास्ट 6 महीने का मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू स्केल बताओ। मेरा 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.2 करोड़ एंड 4 करोड़ एंड 4.05 करोड़ एंड लास्ट वन वाज 4.5 करोड़। जैसे ग्रोथ लाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, जैसे पैसा खर्च करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी से नॉन प्रॉफिटेबिलिटी चली जाएगी। नहीं, आई बिलीव कि ये कैटेगरी क्रिएशन यूसी ने 1000 करोड़ रुपए खर्च करके क्रिएट कर दिया है। अभी हमें सिर्फ एक अवेयरनेस पहुंचानी है और एक ब्रांड क्रिएट करनी है। इस बिजनेस में भी अगर कोई जोमेटो है तो स्विगी होना ही होना है। 5 साल बाद अगर आप ये कंपनी चलाना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस, क्योंकि आप 3 रिलेटेड हैं, मेरा की स्किल है ऑपरेटिंग का, करना चाहते हैं, इन्वेस्टर ला रहे हैं, तो वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा। हमारे पास अभी तक 2 एक्विजिशन ऑफर्स आए थे। किससे आए थे? स्ट्रेटेजिक, मैं नाम नहीं बता सकता। तो मैं अपनी वाइफ के साथ या ब्रदर के साथ डिस्कस कर रहा था, तो मेरे छोटा बेटा था, उसने बोला पापा आप बिजनेस बेचना मत। तो फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि मुझे ये लेगेसी क्रिएट करके रहनी है। आकांक्षा, आपसे पूछता हूँ, आपकी अलाइनमेंट इस बिजनेस को बड़ा 5 ईयर्स एक IPO होगा, तो ऐसे नहीं है कि जो लोग आएंगे यहाँ पे उनको एग्जिट नहीं मिलेगा। सर, आप फंडिंग लेने जा रहे हैं, राइट? नहीं मिल पा रही ना, आपने कोशिश की है? हमने कोशिश करी है, हमारे पास टर्म शीट आई भी है, बट हमने हमें राइट वाले से नहीं मिली, तो हमने That was 150 and you rejected it. हम लोगों ने मना कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है, ऑलरेडी टाइम मिलता जा रहा है मार्केट में, एक सिग्निफिकेंट जब गैप हो जाता है ना बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में, ये फंडिंग और ड्राई अप होती चली जाएगी। एट दिस पॉइंट आप वैल्यूएशन सेंसिटिव रहना चाहते हैं या यू वांट टू टेक सम मनी एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल? नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन, वो पेमेंट पे कुछ और लेके नहीं आ रहा, मतलब वी वर नॉट श्योर कि वो हमारी ग्रोथ स्टोरी में एक पार्ट बन पाएंगे। मेरे को एक चीज खटक रही है थोड़ी सी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग इन्वेस्टर फ्रेंडली एंटरप्रेन्योर्स नहीं? आप कह रहे हो कि वो वैल्यूएशन ठीक नहीं दे रहा, आपका इन्वेस्टमेंट है नहीं। आपके बेटे ने बोला कि पापा इसको नहीं बेचना, तो आपने बोला कि चलो मैं नहीं बेचता। छोटे बेटे ने इन्वेस्टर को पैसा बोल रहा मैं वापस नहीं देना चाहता, वो कह रहे थे वापस दे दो। आपकी ड्यूटी होती है कि आप किसी से पैसे लो उसे वापस करना है। कभी कभी जब इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती ना, तो लोग बोलने लगता है कि हमें वैल्यूएशन ठीक नहीं मिली, हमारा मन नहीं। यस, सो आई डोंट थिंक आई विल मेक मनी ऑन दिस डील। मुझे नहीं लगता आप एग्जिट दे पाएंगे। इंक्रीमेंटल पैसे डालेंगे तो वो ही आप दूसरे कंपेटिटर वाले ट्रेडमिल पे आ जाएंगे। थोड़ा मैं अमन से अग्री करती हूँ, आई एम नॉट क्लियर कि आप लोग इन्वेस्टर फ्रेंडली हो या एक्चुअली इन्वेस्टमेंट चाहते भी हो, सो आई एम आउट फॉर दैट रीजन। रुको, आप मैं भी आ रहा हूँ। ये सब प्रोडक्ट आपने बनाए ना? जी जी मैम। ये कंपेटिटर आ रहा है आपको, 7 साल में ऐप बना दिया, बेटर प्रोडक्ट्स बना दिए, 2 मिलियन डाउनलोड है हमारी ऐप के। आप कहाँ से आ गए? आप हमारे सारे सीक्रेट आ गए। आप उधर से बता दो, आप उधर के पैसे डबल करो। हम कैसे बिलीव करें, आप जासूस नहीं हो।
चलो यार एक ऑफर आ रही है तो हम आपको एक डील देते हैं, चार चार खाएंगे आप के पीयूष, रीता, रितेश और मैं, हम आपको देंगे 1.5 करोड़ रुपए बट हम आपको 3% इक्विटी के लिए आएंगे प्लस हम रॉयल्टी लेंगे 2% ऑफ नेट सेल्स जब तक हमारे ये 1.5 करोड़ वापस नहीं आए। Can we have a discussion? Yes, yes, have a discussion. कैसा रहा ऑफर? Shucks, thank you so much for the offer. 50 crores valuation in a 30 crores GP profit business, it's way too less, like बहुत ज़्यादा कम है. So Sharks, हमारा counter offer है 1.5 करोड़ के investment पे 1% equity and 1% royalty. No madam, अभी जो आपका stage है ना business की, this is a very high risk business. राधिका तो बाहर बैठ गई थी, वो reason जो उनके पास है वो हमारे पास भी है. Can we do it with 2%? 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 2% ऑफ इक्विटी एंड 1% रॉयल्टी. मुझे पर्सनली इसमें खाली एक ही रिस्क लग रहा है, जो रॉयल्टी है ना जी, वी मे नेवर सी आर मनी कमिंग बैक. सर क्यों नहीं आई, वो तो आपकी सेल्स पे है ना, सेल्स पे है ना. सर 50 करोड़ का 1% तो 50 लाख होता है ना, इट विल टेक 3 इयर्स एट दिस रेट. तो वो थोड़ा बढ़ा देते ना रॉयल्टी. फाइनल ऑफर जो हमारा है वो है आपको हम 1.5 करोड़ हम चारों देंगे फॉर 2% ऑफ योर बिजनेस. इसके अलावा हमारी रॉयल्टी जो बनेगी वो होगी 2% ऑफ नेट रेवेन्यू अप टू 1x ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट मनी बैक. ये हमारी तरफ से डील डन है तो बोलिए यस मैडम. थैंक यू, गुड जॉब, गुड जॉब. Thank you so much. I am very excited about this deal. Yeah, I am. Super excited. Money will come back, I hope. Welcome to the game. Okay, let's start.